24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल, आइए नजर डालते आज की कुछ खास खबरों पर। लांजी नगर स्थित काली मंदिर परिसर में रखे गए नवरात्रि के पहले दिन मनोकामना ज्योति कलश। माँ जगत जननी की भक्ति आराधना का पर्व हिंदू मातावलंबी वर्ष में दो नवरात्र को धूमधाम से मनाते हैं, पहला चैत्र नवरात्र और दूसरा वामन नवरात्र। इस बार चैत्र नवरात्र दिनांक 13 अप्रैल 2021 से शुरू हो चुका है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना होगी। माँ अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। भले ही कोरोना संक्रमण के कारण कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन भक्तों में आस्था की कमी नहीं है। घरों में भी समारोह पूर्वक नवरात्र मनाने की तैयारी जोरों पर है। वहीं कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्त मंदिरों में, देवी मंदिरों में मां काली की उपासना कर सकेंगे। इसके लिए मंदिरों में प्रशासन ने भी तैयारी की है। एक एक भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। मास्क लगाकर ही भक्त अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं। इसी क्रम में लांजी नगर स्थित काली मंदिर परिसर में रखे गए नवरात्रि के पहले दिन मनोकामना ज्योति कलश, नवरात्रि पर्व तथा कोरोना लॉकडाउन के निर्देशों के बीच क्षेत्र में नवरात्रोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं इसके लिए भी बालाघाट कलेक्टर द्वारा पुजारी द्वारा पूजा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं लांजी स्थित काली मंदिर के पुजारी ईश्वरी प्रसाद तिवारी ने बताया कि काली मंदिर में कोरोना नियमों का पालन करते हुए दो मनोकामना कलश रखे गए हैं, तो वहीं मंदिर में जवारा भी बोया गया है। इस प्रकार नवरात्रि की भीड़ से परे विधि विधान पूर्वक मंदिर के पुजारी द्वारा नवरात्र उत्सव का आगाज किया गया। MBC 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए लांजी से रिपोर्टर पवन कश्यप के साथ कैमरामैन सुमित श्रीवास की रिपोर्ट। पूजन का महत्व विशेष है, विशेष महत्व है। और जैसे माता जी के 9 रूप हैं, तो माता जी के पूरे 9 रूप का अलग अलग महत्व है, विशेष महत्व है उसका। आज पहले दिन जैसे क्या किया जा रहा है? पहले दिन शैल पुत्री का ध्यान आराधना माता जी का किया जाता है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप होता है। तो आज जवारा बोना और जो मनोकामना कलश रखे गए हैं, तो उनकी तैयारियां भी आपकी जारी होगी? हाँ, तो कितने बजे से रखा तो, जाएगा? तैयारी तो अभी जारी है। हाँ, कितने बजे से रखे जाएंगे वो? शाम सात बजे से हाँ, कलश जवारे और पूजा पाठ का समय क्या है? प्रज्वल होगा। के निर्देश हैं कि जो पूजा पाठ वगैरह है वो सिर्फ पुजारी के द्वारा ही संपन्न किया जाएगा। हाँ, तो इसको लेकर के आपने क्या गाइडलाइन की है, क्योंकि कैसा है कि भक्तों को भी प्रवेश वर्जित किया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग बाहर ही रहे, अंदर प्रवेश निषेध है। एक पुजारी के साथ में एक यजमान की नियुक्ति है, यजमान वहाँ रहेगा, बस बाकी सब बाहर रहे और विधिवत होगी। बाकी लोग सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाहर से ही अपना माता जी की आराधना करें।